इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अरल सागर झील के बारे में। तो आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यह झील मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में स्थित है। तो आइए हम लोग एक विश्व के मानचित्र में देख लेते हैं कि मध्य एशिया कहाँ पर है और मध्य एशिया में जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ये सब कहाँ पड़ते हैं। देखिए विश्व का मानचित्र है और विश्व के इस मानचित्र में ये वाला जो एरिया है ये मध्य एशिया का क्षेत्र कहलाता है। मध्य एशिया का मतलब कि एशिया के मध्य में जो है ये क्षेत्र पड़ता है। तो मध्य एशिया में मुख्य रूप से 5 देश आते हैं, इसके अलावा भी बहुत से विद्वान और भी क्षेत्रों को जोड़ते हैं। तो इसी मध्य एशिया में जो है 2 देश हैं, एक का नाम उज्बेकिस्तान और दूसरे का नाम है कजाकिस्तान। तो इन्हीं सीमा के बीच में जो है ये जो झील है अरल सागर झील ये स्थित है। तो देखिए ये जो है आपका अरल सागर झील है, ये जो दिख रहा है छोटा सा यहाँ पे, ये क्या है? अरल सागर झील। और इसके पश्चिम में जो है ये कैस्पियन सागर झील है। तो आज हम लोग जानेंगे अरल सागर झील के बारे में। तो अरल सागर जो झील है नीचे की तरफ पड़ता है यहाँ पे उज्बेकिस्तान और ऊपर की तरफ पड़ता है कजाकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर जो है ये जो झील है अरल सागर ये स्थित है। ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों क्षेत्रों में ये झील फैली हुई है। एक समय था जब यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी। कहने का मतलब है कि अरल सागर ये जो नाम जुड़ा है सागर जो है इसकी विशालता को दर्शाता है कि यह झील जो है काफ़ी बड़ी थी। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी और इसका जो क्षेत्रफल था 68,000 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन 1960 में सोवियत संघ ने इस झील में गिरने वाली 2 नदियाँ आमू दरिया और सिर दरिया के पानी के बहाव को रेगिस्तान में सिंचाई के लिए मोड़ दिया। फलस्वरूप झील का आकार घटता गया और यह घटकर मूल आकार के 10% पर आ गया। देखिए हम लोग इसे एक मानचित्र में देख लेते हैं। तो ये अरल सागर झील है और अरल सागर झील के दक्षिण ओर से जो है एक नदी गिरती है यहाँ पे। इस नदी का नाम है आमू दरिया। तो आमू दरिया जो है अरल सागर के दक्षिण में गिरती है और इसके अलावा जो है एक अरल सागर के उत्तर में एक नदी गिरती है, इसका नाम है सिर दरिया। तो ये 2 महत्वपूर्ण नदियाँ थीं जिनकी वजह से जो है अरल सागर को जल मिलता था। लेकिन 1960 ईस्वी में सोवियत संघ सरकार ने इसको जो है चेंज कर दिया, इसका रास्ता बदल दिया कि जो आमू दरिया जो नदी थी और ये जो सिर दरिया नदी थी इसके पानी को जो है नहर बना करके सूखे क्षेत्रों में दौड़ा दिया गया खेती करने के लिए। तो इसलिए जो है अरल सागर को जल अब नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से ये जो अरल सागर थी ये सब सूखती जा रही है और ये घट करके इस समय जो है ये 10% ही बचा हुआ है। इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है सूख चुका है। तो इस तरह से आपने देखा कि 1960 ईस्वी में जो सोवियत संघ जो सरकार थी, दरअसल में उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जो ये देश हैं ये सोवियत संघ में ही आते थे 1991 तक के। लेकिन सोवियत संघ का 1991 में विभाजन हो गया जिसकी वजह से कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी उसी में से निकले हैं। तो 1960 में जो है ये जो क्षेत्र था, ये जो झील थी, ये सोवियत संघ के अंडर में आती थी। इसलिए उस समय की गवर्नमेंट ने जो है फैसला लिया कि जो है इन नदियों का पानी जो है सिंचाई में इस्तेमाल किया जाएगा और उसी फैसले की वजह से जो है अरल सागर जो है वो सूखती गई और धीरे धीरे सूख करके सिर्फ 10% हिस्से पे ही उसके पानी बचा हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि यह झील जो है कुछ दिनों में आप देखेंगे कि पूरी तरह से सूख गई है और ये सिर्फ इतिहास में झील रह जाएगी। देखिए यहाँ पर जो है अरल शब्द आया है। अरल का मतलब होता है द्वीप या द्वीप समूह। तो ये जो नाम पड़ा है अरल सागर, क्योंकि इस झील में जो है बहुत सारे द्वीप थे तो बड़ी संख्या में द्वीपों के होने की वजह से जो है इसका नाम पड़ गया
अरल सागर, अरल सागर का मतलब है कि द्वीपों का सागर या द्वीपों का झील।